तो गाइस, तो जैसा कि आपने देखा हमारा, ओह माय फक, जैसा कि आपने देखा हमारा अमेजिंग सर्विस हो गया है। रियल मैन एक नॉलेजेबल टेक्नीशियन अगर आपको मिल जाए तो कितना फ़ायदा होता है। देखो लिटरली उसने मेरे वेट के हिसाब से सस्पेंशन सेट कर दिया। अभी देखो थोड़ा भी सस्पेंशन बाउंस ही नहीं है, जो आते टाइम जब खड्डे पे जाता था सस्पेंशन मेरा फुल बाउंस ही फील करता था। अब ये देखो एक भी उसने रिबाउंड नहीं किया, बैक वाले सस्पेंशन ने भी एक भी रिबाउंड नहीं किया, फ्रंट का तो छोड़ दो, बैक ने भी रिबाउंड नहीं किया। लिटरली ये सस्पेंशन में एक्चुअली इन्होंने एडजस्टेबल तो दिया है जो एक लीवर घुमाने का, बट इधर जो उधर दो टाइप के एडजस्टमेंट है और पीछे भी सेम वैसे ही दो टाइप के एडजस्टमेंट है। द रीज़न इज इसके लिए पता नहीं चलता कि सेटिंग कैसे करनी है, क्या करनी है करके, बट ठीक है फाइनली हो गया हमारा। अभी निकले हम गोवा से, ये कर्नाटका बॉर्डर का क्या सीन है देखना है यार। एस पर उसमें तो वो लोग ने डाला था कि RT-PCR कंपलसरी है, यार ना हो तो अच्छा है। अभी देखो कैसे मक्खन जैसे निकल गई है खड्डे से। और एक और चीज़ अभी बैड न्यूज़ मिली है, मुझे 2000 किलोमीटर में टायर बदलाने पड़ेंगे क्योंकि मेरे फ्रंट टायर में थोड़े बबल्स आ गए हैं। तो ये सब यार खड़ा रखता हूँ ना मैं बाइक, उसका यही प्रॉब्लम है। और ये क्या सॉफ्ट कंपाउंड टायर होता है ना यार, तो ये लोग में जल्दी इशू हो जाता है। आज मेरा मस्त थ्रॉटल बॉडी। तो गाइस जैसे कि मैं बोल रहा था टेक्नीशियन नॉलेजेबल होने का कितना फ़ायदा होता है। शोरूम काफ़ी छोटा था बट जब खुला ना यार गाइस मैं तो भाई शॉक हो गया। अंदर सारी बाइक, ऑलमोस्ट सारी बाइक्स है। निंजा 300 तीन थी, वो भी तीन ठीक है, ऊपर से टेस्ट ड्राइव टोटल चार थी। ओके Z650 दो थी एक डिस्प्ले एक टेस्ट ड्राइव, Z900 दो थी एक डिस्प्ले एक टेस्ट ड्राइव, एक निंजा 1000 थी, एक Z650 आ रहे थे न्यूली लॉन्च थी वो भी डिस्प्ले थी उनके पास। सबसे टाइट किया बंदे ने, अरे भाई हैट्स ऑफ सागर भाई और टेक्नीशियन का मैंने नाम पूछा नहीं सॉरी, बट यार आप दोनों को बहुत थैंक्स, इतना अमेजिंग सर्विस किए A2Z का सर्विस मिली। और आज थ्रॉटल बॉडी भी क्लीन हुआ है तो अभी थोड़ा फ्यूल माइलेज कम मिलेगा मेरे को, थ्रॉटल बॉडी अभी तक क्लीन हुआ है, बट यार रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़ गया है अभी थ्रॉटल बॉडी का, मज़ा आ रहा है। अभी खींचूंगा तो नहीं, थोड़ा अभी आराम से चलाऊंगी, अब गर्मी का टाइम है, बाइक बेचारी बहुत हीट होगी अभी, तो टेम्परेचर क्या चल रहा है 27 डिग्री और बाइक ऑलमोस्ट 90 डिग्री पहुंच गई है अभी से। सुबह तो पूरे रास्ते 86 के ऊपर नहीं गई थी, टेम्परेचर 27 डिग्री है वो, मेरा गर्मी इतना फील नहीं हो रहा, मेरे वही धूप है वही है। और एक और इन्होंने मुझे नई सेटिंग दिखा, अगर KTR से मैं दबा के रखूँ ना, ये सिर्फ एक बार दबाने है, देखो अगर मैं ऐसे लीन करूँ तो लेफ्ट साइड लीन एक एंगल दिखाता है, कितना मेरा लीन एंगल है ये भी दिखाने लग गया है, मतलब दिखा तो था ही मुझे नहीं पता था। ये देखो थोड़ा सा लीन किया हुआ ना है अभी यार, आप लोग को तो देखो 2 बार था है। टू, अरे भाई पानी था फॉक जस्ट थोड़ा स्लिप खाया भाई, बट KTR इज रॉकिंग गाइस, उनको मेरा विंडस्क्रीन काफ़ी पसंद आया, बोल रहे थे काफ़ी बेटर है। और उन्हें मुझे ये भी आज़ादी दे दी कि आप आयरों का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट डालो, मैं आपको वारंटी दूंगा, कोई नहीं देगा तो मैं आपको वारंटी दूंगा, आप मेरे पास आ जाना। तो अब हम डालेंगे आयरों का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, फुल सिस्टम थोड़ा डाउटफुल है, मेरा ऐसा प्लान है कि सिर्फ आयरों का हेडर्स डालूँ मैं, फुल सिस्टम तो नहीं डालना मुझे क्योंकि कॉप्स का थोड़ा यार प्रॉब्लम रहता है यार एग्जॉस्ट के साथ, तो मुझे वो सब सीन नहीं चाहिए। मेहनत के पैसे से कुछ भाई लो और उसके बाद पुलिस वाले उस पर रोड रोलर चला दे, इसके लिए लच्ची कहते आ गया अपना मड़गांव सिटी। तो यार शिफ्टिंग इतना फायदा करना पड़ रहा है,
क्योंकि उन्होंने साफ बोल दिया है भाई जोर से मत शिफ्ट करना पहले जैसा टूटी जाएगा रिवर करके, जैसा टूटेगा तो नहीं समझ सकती है, मतलब थोड़ा फेदर लाइट रखना क्योंकि ऐसा अगर उसके शिफ्ट में इतना करता ना इसके शिफ्ट में सिर्फ इतना सा जाता है, मतलब तो जस्ट छूया ना तो गियर शिफ्ट हो जाता है, अगर KQS ऑफ करना है मेरे को अच्छे शिफ्ट करना है तो अपना कारोबार का हाईवे नहीं आता तब तक मैं नहीं यूज़ करूँगा, उसके बाद यूज़ करूँगा। टायर तो देखो बढ़िया नॉबी और बड़ा डाला है भाई साहब ने अपने थार में, कैसा नॉबी डाला है भाई, ये नॉब लेफ्ट साइड तक आ रहे हैं, साइड वॉल तक आ रहे हैं नॉब, मतलब कि आड़ा टेढ़ा भी चल सकती है क्या, इधर अगर आप नोटिस करोगे देखो ग्रूव लेफ्ट साइड तक आ रहे हैं, मतलब साइड वॉल पर भी ग्रूव है भाई, भाई साहब कर क्या रहा स्पीड देखा मार मकाओ के इतना ब्यूटीफुल है, अरे यार ऊपर लग जाता है यार बार बार के साथ सोने में टाइम लगेगा मुझे। अरे भाई दोपहर का टाइम गोवा से निकलने के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये रोड सुबह का टाइम फुल जैम पैक था, अरे नन्ना मुंगी लेके जा रहा है साथ में, और अभी देखो फुल खाली, मैं 100 के एवरेज स्पीड कर पा रहा हूँ मैं अभी, मतलब 100-110 चला पा रहा हूँ, आते वक्त तो भाई जो मेरे लगे पड़े थे इस रोड पे, बट खड्डे बहुत है यार रोड पे, कोई भी आ जाता है, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन की वजह से इसका कुछ पता नहीं चलता भाई, माते तुम ऊपर चढ़ो बस मेरी गाड़ी मत ठोको, शिफ्टर तो क्या ही काम कर रहा है, एकदम मखण मखण मखण, पहाड़ों को देखो भाई, एसटी वाला मुझे आगे जाने नहीं दे रहा है, थोड़ा बहरे में बंदा ऐसे रस्ते पे ऐसे वाले इतने खड्डे, यार एक सही से डामा डालो ना यार, अब बाइक वाले को कितना रिस्की है, मैं तो चलो मेरी जो है सस्पेंशन ऐसा वक्त यहाँ का शिपिंग डॉक यार्ड है कुछ लॉजिस्टिक, मतलब वो सब बड़े बड़े जो ट्रेन में जो कंटेनर जाते हैं ना वो सब याद है, अगर मेरी बाइक लॉन्ग ट्रांसफर के बाद ऐसे आवाज़ कर रही है बाप रे बाप, सारी स्कूटी स्कूटी का ठाड़ फूट बाढ़ फूट सब कर दी होगी। कर्नाटका बॉर्डर आ रहा है, टेंशन की हाथ बढ़ रही है क्योंकि सुबह फुल RTPCR चेक कर रहे थे कि पता नहीं, बट यार बैरिकेड बंद करके फुल चेक कर रहे थे, मतलब यार बस पास हो जाओ फिर टेंशन नहीं। अभी गोवा मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटे में पार कर लिया, सुबह मुझे इतना ट्रैफिक मिल रहा था क्योंकि सबका ऑफिस जाने का टाइम था, और अभी देखा मक्खन जैसा ऑलरेडी 1 घंटे में आ गया बाहर, कारवार तक पहुंच गया, ज़्यादा टाइम यही मुझे पता नहीं कितना टाइम लग गया था, 2 घंटे जैसा कुछ लग गया था मुझे, सिर्फ बॉर्डर पे मिलते हैं तो बॉर्डर के पास पहुंच रहे आ गए गई घंटे, अभी घड़ी आ गई है, क्या होगा गाइस भाई साहब आ गया, अभी चेक पोस्ट गोवा वाला भी आएगा फर्स्ट,
फिर कर्नाटक वाला आएगा। तो क्या नहीं बाइक को तो नहीं रोकते मुझे, क्या पकड़ दिए इनको। भाई रोका तक नहीं मेरे को तो बॉर्डर पे, घुस गए भाई अपन तो। भाई ये जो फाटक दोपहर में खुला था ये भी बंद, रात को ये खुला था अभी बंद कर दिया। आई मीन रात को बंद, सुबह जब मैं आया पूरा बंद था, पूरा पुलिस फोर्स बैठा हुआ था, अभी ये खुला। भाई मेरे को अभी जो गाड़ी पड़ने वाली है, दो तीन लोगों ने मुझे चीज़ें लाने की बोली, जब समझ जाओ गोवा से लोग क्या लाने बोलते। भाई मैं बहुत गाड़ी खाने वाला हूँ, बहुत गाड़ी खाने वाला हूँ, बहुत। अक्षय भाई और अविनाश भाई दोनों मुझे बहुत गाड़ी देने वाले हैं। वो जो RT-PCR के रिस्क की वजह से मैं कुछ लेके नहीं लेने नहीं आया, पर यार बाइक वालों को तो रोका ही नहीं उन्होंने तो। पर गाड़ी के फुल वो लोग राइट साइड पे बहुत पुलिस की, लेफ्ट साइड भी बहुत पुलिस की, और ट्रक वक सब रोक के रखी थी उन्होंने, बस यार बाइक को जाने दिया उन्होंने। वाह व्हाट अ लकी, अच्छे टाइम पे निकला होगा। वेरी गुड वर्क, मतलब फुल फुल के प्राइवेट गाड़ी की वाट लगाओ, ये मोटो है भाई। तो वो अपने बॉर्डर का पहुँच गए, चलते भगाते हुए। और क्या भाई 223 किलोमीटर है, और कितने देर में पहुँचते, 230 बज रहे हैं। अब ट्रैफिक थोड़ा रोड पे ज़्यादा रहेगा तो ये ठीक होगा, थोड़ी देर में छुप छुप रहेगा, कमाल दिखाता है।